राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब कुशल मंगल है कि नहीं? अरे हमने 2 दिन आस पड़ोस की खबर नहीं ली तो देखो सबके तेवर ही बदल गए। वनराज के तेवर तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं और उस चालाक पृथ्वी ने तो हमारे प्रीता का एक्सीडेंट कर दिया है। मरते मरते बची है लेकिन हार नहीं मानी उसने। चलो आपको हम विस्तार में बताते हैं कि आखिर अनुपमा और लूथरा मेंशन में आखिर हो क्या रहा है। सा हाउस में तो वैसे भी माहौल खुशनुमा था, लेकिन वनराज ने एक बार फिर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की पूरी कोशिश की। अरे भाई, बीच मेहंदी के फंक्शन में अनुज को गाड़ी में बैठा कर सुनसान जगह पर ले गया। अब सारे घर वाले परेशान। खुद काव्या रानी कह रही है कि वनराज तो है ही ऐसा जो किसी को खुश नहीं देख सकता। आखिर काव्या भी पहचान गई कि उसका पति आखिर है कैसा। हिम्मत तो देखो उसकी, कैसे कहता है कि मेरे परिवार पर नजर मत डालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनुज भी हमारा कहाँ कम है, सीधे सीधे बोल दिया कि अनुपमा पर गलत नज़र से देखने की कोशिश की ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज ने वनराज को ऐसा धमकाया कि दोबारा वनराज ऐसा कुछ कहने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन हमको लगता नहीं है कि कुशल मंगल तरीके से अनुज अनुपमा की शादी हो पाएगी, क्योंकि ये जो वनराज है ना, ये बिना कुछ करे मानेगा नहीं और बापूजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अनुज अनुपमा की ना सही, लेकिन हमारे अभी और अक्षरा की शादी तो भैया हो गई। दोनों को नए जीवन की खूब खूब बधाई। एक साथ दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि पूछो मत, एकदम गुड्डा गुड़िया। सब कुछ अच्छे से हो गया। अब कल हमारी अक्सु विदा हो जाएगी, हमारी सोन चिड़ैया सबको छोड़ के चली जाएगी। खैर, हर लड़की को एक दिन जाना होता है। जिस घर जाए बस हमारी अक्सु खुश रहे। खुश तो हमारी प्रीता भी बहुत थी जब तक पृथ्वी उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था, लेकिन ये पृथ्वी जब से उसकी ज़िंदगी में आया है तब से आधे कान तो उसने खुद ही कर रखे हैं। अब देखो प्रीता के पीछे लगा है कि कहीं वो सबूत कोर्ट तक ना पहुंचा दे। प्रीता को रोकने के लिए तो उस पृथ्वी ने सारी मर्यादा तोड़ दी, प्रीता की गाड़ी का एक्सीडेंट ही कर डाला। वो तो भगवान की कृपा रही कि प्रीता को ज़्यादा चोट नहीं आई और वो होश में आ गई। होश में आते ही उसने जो हिम्मत दिखाई और पृथ्वी की क्लास लगा दी। अब देखो प्रीता ऐसी हालत में सही समय पर कोर्ट पहुंच पाती है या नहीं। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रीता बस सही समय पर कोर्ट पहुंच जाए। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। फिर आपसे कल इसी समय मिलेंगे। राम राम।